बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ्स में एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, उसमें एक टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर, जिसके होते हैं 4 मार्क्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम देखेंगे, हमें इसमें क्या फाइंड करना होता है, मेजर करना होता है। क्या मेजर करना होता है? टेंडेंसी मीन्स वैल्यू। तो एक वैल्यू हमें मेजर करना होता है। अब कौन सा वैल्यू? सेंट्रल वैल्यू। अब हम देखेंगे मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू। तो इसमें 3 चीजें आते हैं, एक मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन। मीन में से या मोड में से या मीडियन में से, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है जिसके होते हैं 4 मार्क्स। अब हम देखेंगे मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जोड़ में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मोड क्या होता है? मोड होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी होगी, हम देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो होता है मोड। अब मीडियम क्या है? मोस्ट मिडिल टर्म। अब इसमें से हम देखेंगे कि इसमें जो बड़े क्वेश्चन आते हैं जिनके 4 मार्क्स होते हैं, वो कैसे सॉल्व करने होते हैं। 14.3 का एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। तो एग्जामिनर ने पूछा है आप ये सॉल्व करो by all these methods, means mode, mean and median. अब हम भी इसमें include करेंगे तीनों methods. अब हम देखेंगे first mode, कि mode कैसे निकालना होता है। हमारे पास एक data दिया है, ये हमारे पास data दिया है monthly consumption और ये इसकी frequency है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास class intervals हैं जिनकी difference 20-20 है। हम देखेंगे 65-85 तक 20 gap है। इसी तरह ईच क्लास इंटरवल जो है, एक तो एक कंटिन्यूस सीरीज है और गेप भी 20-20 है इसकी। अब हम देखेंगे सबसे पहले मोड में हमें देखना है जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 4, 5, 13, 20। सो दिस इज द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, 20 इज द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी। सो दिस क्लास इंटरवल मीनस 125 to 145 विल बी अवर मॉडल क्लास। सो अवर मॉडल क्लास इज 125 to 145। हमें सिर्फ ये देखना है इसमें मॉडल क्लास कौन सा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो है 125 to 145। इसके बाद हम निकालेंगे मोड और फार्मूला अप्लाई करके। फार्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मैं आपको बताता हूं ये F1, L, H ये क्या होता है। L जो है, दिस इज द लोअर टर्म ऑफ मॉडल क्लास। अब हम देखेंगे L है हमारे पास 125 प्लस F1 क्या है, जो हमने मॉडल क्लास यहाँ पे लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो है F1 माइनस F1 इज 20, देन F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। ये क्लास है मॉडल क्लास, इससे पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 13, वो F0 है। ट्वाइस F1 इज अगेन 20 माइनस F0 इज अगेन 13। अब F2 क्या है? मैंने आपको फार्मूला में बताया यहाँ F2 है। अब F2 है, F1 F0 होता है प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये होता है F0 F1 एंड नाउ दिस इज F2, यानी जो सक्सीडिंग क्लास है मॉडल क्लास का, उसकी फ्रीक्वेंसी F2 होती है, दैट इज 14 मल्टीप्लाई H। अब H क्या है? H इज द हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, यानी इन दोनों के बिटवीन कितनी गैप है, दैट इज 20। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, यहां 125 है प्लस 20 माइनस 13 दैट इज 7, 2 इंटू 20 दैट इज 40 माइनस 14 माइनस 13 दैट इज 27 माइनस 27 इंटू है यहां पे 20। 125 रिमेंस सेम, वी विल सिंपलीफाई इन कॉलम्स फर्स्ट इन ब्रैकेट्स फर्स्ट, दैट इज 20 माइनस 27, 40 माइनस 27 दैट इज 13 इंटू 20। अब देखो यहाँ पे 125 7 2 14 that is 140 divided by 130 divided by 13। अब 140 को हमें पहले डिवाइड करना है 13 के साथ, जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा उसको हम यहाँ ऐड करेंगे, दैट इज आवर मोड। 140 डिवाइड करना है 13 के साथ, 13 into 10 होता है 130, विच इज नियरेस्ट टू 140। यहाँ आएगा 10, अब पॉइंट, यहां पॉइंट के बदले में जीरो,
टेन इन 13 इंटू 7 दैट इज 91, यहाँ पे आएगा 9, नाउ अगेन यहाँ पे एक और 0, 13 इंटू यहाँ पे हमने किया था 7 के साथ, अब करेंगे 6 के साथ, दैट इज 78, सो इट विल, ये ऐसे ही चलेगा, हम इसके बदले में यही वैल्यू लेंगे, दैट इज 125 प्लस 10.76, सो आवर मोड इज, अब इसको ऐड करेंगे 125 प्लस 10 दैट इज 135.76, सो ये हमारा मोड है। अब हमने इसमें मोड निकाला, अब इसी में हम मीडियन, तो अब हम फाइंड करेंगे मीडियन इसका, अब दूसरे में मीडियन, अब मीडियन कैसे हम फाइंड करेंगे, मंथली कंजप्शन दी है, फ्रीक्वेंसी भी दी है, इसके बाद हमें एक और कॉलम इसमें निकालना है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज सी एफ, सो व्हाट इज द सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो फर्स्ट रो में ये 4 है, अब देखो सेकंड रो में हमें क्या लिखना है, इस 4 को इस 5 के साथ ऐड करना है, 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9, नाउ अगेन वी नीड टू ऐड 13 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 9 इक्वल टू 20, 22, 22 प्लस 20 दैट इज 42, 42 प्लस 15 दैट इज 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 इक्वल टू 68। अब देखो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 68 निकला, यहाँ ये सेम होना चाहिए इसके सम के साथ, यानी फ्रीक्वेंसी के सम के साथ, अगर ये सेम है देन इट इज राइट, इफ इट इज नॉट सेम देन आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज समवेयर रॉन्ग। नाउ आवर एन इज इक्वल टू 68 एन बाई टू, व्हाट इज एन बाई टू, एन बाई टू इक्वल टू 68 डिवाइड बाई टू दैट इज इक्वल टू 24, तो अब हम देखेंगे ये 24 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करते हैं, 22 में तो नहीं है, कम पड़ता है, अब किस में है, 42 में है, 42 में 34 आता है, सो दिस इज आवर मॉडल क्लास इन मीडियन, दिस इज आवर मॉडल क्लास, सो हमें मीडियन की फॉर्मूला जो है, मीडियन की फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू हाइट ऑफ द क्लास। अब देखो मॉडल क्लास कौन सा है हमारा, मॉडल क्लास इक्वल टू 125 टू 145। हियर व्हाट इज एल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास दैट इज 125। 125 एन बाई टू, वी ऑलरेडी फाइंड एन बाई टू दैट इज 34, तो हम लिखेंगे 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की नहीं निकला, नहीं लिखना, अब किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना, इसके प्रीवियस क्लास, इसका प्रीवियस क्लास है 105 टू 125 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, यहाँ पे 22 लिखेंगे, अब f कौन सा लिखेंगे, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 20 इंटू हाइट, हाइट विल रिमेन सेम 20, दिस इज इक्वल टू 125 प्लस दिस इज 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, 20 20 कैंसिल, 125 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 137, सो दिस इज आवर मीडियन, मीडियन इक्वल टू 137 यूनिट्स, ये मीडियन। अब इसमें हम मीन, अब इसमें निकालेंगे हम मीन, मीन कैसे, मंथली कंजप्शन दी है, फ्रीक्वेंसी हमें हमारी दी हुई है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है पहले एक्स आई। अब देखो एक्स आई क्या है, हमारे पास ये क्लास इंटरवल है दैट इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू, तो हमारा वो एक्स आई आएगा, जैसे ये 150 डिवाइडेड बाई टू दैट इज 75, सो हियर दिस इज 75, सो मिडिल टर्म, मिडिल ऑफ दिस इज 75, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 दैट इज 75। अब हमें पता है इसका गैप कितना है, 20 20, अब यहां से भी 20 ऐड करेंगे, 95 115 135 155 175 एंड 195, ये हमारे एक्स आई आ गई। अब यहां पे हमें फाइंड करना है और एक चीज दैट इज DI। अब DI क्या है, देखो जितने भी हमारे एक्स आए हैं इसमें हम कोई एक टर्म एज्यूम करेंगे दैट इज एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 135, ए इक्वल टू 135, DI बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे एक्स आई क्या है 75, 75 में से हमें माइनस क्या करना है, 75 में से माइनस करना है 135, तो 135 में से 75 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गई तो 0, 60 यहाँ पे आ गया पहला टर्म माइनस 60। अब हमें पता है गैप 20 20 है दैट इज वो इंक्रीज होगा, जितना हम नीचे जाएंगे उतना इंक्रीज होगा, माइनस 40 माइनस 60 माइनस 40 माइनस 20, हियर इट इज 0, हियर इट इज अगेन 20 40 60।
तो लास्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पे है, ये जो एफ आई है, एफ आई और ये डी आई, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई 4 × 6 होता है -240, 5×20 -200, -260, ये होता है 0, 280, 8×4 = 32, 4×6 = 24। अब देखो जो यहाँ पे हमें, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसको हम पहले अलग से ऐड करेंगे, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इनका इनका ऐड। अब यहाँ पे 240, 200, 260, ये कितने हैं सब, 0, 0, 1 कैरी, 2, 2, 4, 2, 6, 7। अब ये 700 है, 700 हमें किससे माइनस करना है, 280, 320, 240, 0, 8 और 4, 12, 2, 14, 1 कैरी, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 1, 8। 840 में से हमें 700 माइनस करना है, दैट इज 140। सो यहाँ इसका समेशन हमें निकला 140। अब मीन निकालने की फार्मूला क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। सो ऑल थिंग्स आर गिवन, दिस इज ए, ए इज 135, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दैट इज 140 डिवाइडेड बाई 68। अब 140 को डिवाइड करेंगे हम 68 के साथ, 68 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे, जैसे ये 140 डिवाइड करेंगे 62 के साथ, 2 के साथ करेंगे 2 6s 2 8s 16, 1 कैरी, 2 6s 12 1 13, 136, 136 यहाँ 4 आई। अब यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट के साथ यहाँ 0। अब देखो, अब यहाँ भी, यहाँ फिर भी रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है, तो हमें यहाँ पे एक और 0 ऐड करना है, तो ये 400 होता है। तो 400 के साथ अब हमें 68 को 400 के साथ किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी नियर बाई 400 और इक्वल टू 400। अगर हम करेंगे 68 × 6, 6 8s 48, 4 carry 6 are 36, 36 और 4 होता है 40। सो ये इसका ग्रेटर देन है, तो हम करेंगे फिर 5 के साथ, 5 8s 40, 0 4 carry, 5 6s 30, 34, 340। अब यहाँ पे आ गया 60। अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम यहीं पे करेंगे 135, इसमें से जोड़ेंगे 2.05, दिस इज इक्वल टू 137.05। सो दिस इज आवर मीन। अब इसी में हमने तीनों इंक्लूड किए, मीन, मोड, मीडियन। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यही तीन मेथड्स अप्लाई करने हैं, तो हमें निकलेगा मीन, मोड एंड मीडियन। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर करो, लाइक करो, और आगे जो बच्चे जिनका एग्जाम आ रहा है, अब डेट शीट भी निकल आया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कॉन्टैक्ट करो, हम अवेलेबल हैं हर वक्त। अगर आपको कोई भी दिक्कत है मैथमेटिक्स में, तो थैंक्स, हैव ए नाइस इवनिंग।